हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ टैकोस यूजिंग दी टैकोस किट। तो चलें सबसे पहले हम टैको किट को ओपन करते हैं। इनसाइड द टैको किट यू विल फाइंड थ्री मेन थिंग्स। एक तो आपको टैको शेल्स मिलेंगे जो कि अबाउट 10 हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर देखेंगे सीजनिंग मिक्स, और ये आपके पास साल्सा सॉस है जो कि आप टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे। टैकोस की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप लैम का या बीफ का जो मिंस मीट है वो ले लें, और उसको किसी भी नॉर्मल रेसिपी को यूज़ करते हुए बना लें। और बनाने के बाद आप इसके अंदर सीजनिंग मिक्स को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और तकरीबन इसको 5 मिनट्स के लिए स्टीम पर रख दें। इसके बाद आप टैकोस की जो शेल्स हैं उनको ओपन कर लें। टैकोस शेल को अब आप किसी भी ग्रिलिंग पैन या जो बेकिंग ट्रे है उसके ऊपर बिछा कर अवन में तकरीबन 3 मिनट्स के लिए रख दें। 3 मिनट्स के बाद जब टैकोस शेल अच्छी तरीके से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो सबसे पहले आप इसके अंदर बेस पर जो मिंस मीट की लेयर है वो बिछा दें, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद लेटस के कुछ लीव्स इसके ऊपर डालें, और लेटस लीव्स को ऐड करने के बाद चेरी टमाटोज और क्यूकम्बर के स्लाइसेस को भी आप इसके ऊपर ऐड कर लें। और एंड में आप इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़, साल्सा सॉस और जो चीज़ सॉस है उसकी टॉपिंग को ऐड करें। और ये रहे जी ज़बरदस्त लैम मिंस मीट के टैकोस रेडी। आप चाहें तो इसको 1 मिनट और ओवन में गर्म कर सकते हैं ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। आई होप यू विल ट्राई दिस रेसिपी। इफ़ यू डू प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़।